नो, तो गुड इवनिंग दोस्तों वेलकम टू लीगल सक्सेस लॉ क्लासेस यूट्यूब चैनल उम्मीद करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे, आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं एलएलएम एंट्रेंस को लेकर हाउ टू प्रिपेयर फॉर एलएलएम एंट्रेंस सीसीएस मासा माशाकुम्बरी सहारनपुर तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के एल एल एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें या जो अभी सीसीएस से अलग हुआ माशा जिसे आप कहते हो सहारनपुर में है, जिसके अंदर शामली और मुजफ्फरनगर के कॉलेजेस आते हैं तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए हम कैसे एलएलएम के लिए प्रिपेयर करें उसका सिलेबस क्या है और टिप्स क्या है ट्रिक्स क्या है कि हम इतने कम दिनों में अभी आपके पास के के लिए मासा के लिए टाइम जरूर है बट सीसी के लिए टाइम नहीं है तो इतने कम दिनों के लिए कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं मेरे पास कई सारे बच्चों का एक रिक्वेस्ट था कि सर थोड़ा बता दीजिए थोड़ा हेल्प कर दीजिए तो मैंने कहा ठीक है मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बता दूंगा कैसे प्रिपेयर करते हैं तो आज मैं इसी पॉइंट के लिए आपके सामने आया हूं कि हम सीसीएस यू एल एल एम एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें और सो भी इतने कम टाइम में क्या टिप्स है क्या ट्रिक्स है आप कैसे एल एल एम एंट्रेंस में अच्छा है, merit, college, merit, usually, now. So, क्या टिप्स है क्या ट्रिक्स है क्या सिलेबस है तो सबसे पहले फटाफट देख लेते हैं सिलेबस क्या है क्योंकि सिलेबस देखते ही हम समझ में आ जाएगा कि हमें प्रिपरेशन का मतलब कितना टाइम हमें प्रिपरेशन के लिए देना चाहिए क्या क्या सब्जेक्ट तैयार करना चाहिए और इसके बाद मैं थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होता है कैसे क्वेश्चन होता है तो कहां से प्रिपेयर करें कौन सा बुक यूज करें उसका हेल्प लें टेक्स्ट बुक या कोई गाइड है या कैसे करें वो मैं आपको बताता हूं ठीक है नाउ सो फर्स्ट थिंग अबाउट इट कि इसका सिलेबस क्या है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई सिलेबस क्या है सी का Slavers. आपके सामने ये सिलेबस दिख रहा होगा और एक बार इसके मैट्रिक्स जो एग्जाम है वो कितने आर का होता होता है number of questions है कितने है कितने कितने हैं हैं और ठीक है? Now. तो ये जो paper होता है, वो एक क्वेश्चन पेपर है मीन्स एक एग्जाम होगा एंट्रेंस एग्जाम ठीक है कितने नंबर का होगा ये हंड्रेड मार्क्स कितने नंबर का है हंड्रेड मार्क्स क्वेश्चंस कितने होंगे हंड्रेड क्वेश्चंस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन टाइम कितना मिलेगा आपको एग्जाम में टू आवर्स दो घंटे का समय मिलेगा अब इस टू आवर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा यह एक अगला रिलेवेंट क्वेश्चन है ठीक है तो आप देखोगे सबसे पहले किसको बहुत सिंपली आप समझ लो इसके मैट्रिक्स को इसके तरीके को कि हंड्रेड नंबर ऑफ क्वेश्चन हंड्रेड है आप और सब्जेक्ट कितने हैं टोटल सब्जेक्ट अगर देखा जाए ये हंड्रेड क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है टोटल सब्जेक्ट इतने टोटल सब्जेक्ट दस सब्जेक्ट से हंड्रेड क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन हंड्रेड एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट जहां से आपके ये होता पेपर वो है टेन अब ये टेन कौन कौन सा है फटाफट इसे देखते हैं कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछना चाहते हो तो ला, लाइव चैट में आप पूछ सकते हो मुझसे कुछ भी आप पूछना चाह रहे हो एल के रिगार्डिंग ठीक है तो आप अभी लाइव चैट के द्वारा भी मुझसे आप पूछ सकते हो इंटरेक्ट कर सकते हो एक बार आप इसके सिलेबस को आप देख सकते हो कि क्या क्या है इसके सिलेबस में सबसे पहला कंपनी लॉ कंपनी लॉ से क्वेश्चन पूछा जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन यूजली अभी तक देखा जाए तो दस के आसपास ये माइट बी एट सेवन भी हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है बट दस के आसपास देखो कौन की वो कौन कौन सा सब्जेक्ट है जहां बच्चा कम स्कोर करता है मतलब आप दोस्तों कम स्कोर कहां करते हो एक कंपनी लॉ यूजुअली आप बोलोगे सर कंपनी बच्चा स्कोर कम क्यों करता है 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 क्योंकि यूजुअली एलएलएम एलएलएम का का एंट्रेंस एंट्रेंस देता देता कौन मेनली तो का जो सीरियसली हो जाता है वो वो बच्चे होते हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशियल सर्विस के लिए बेसिकली तो ये ध्यान रखना जुडिशियल सर्विस में यूपी में सिर्फ बिहार को छोड़कर एक्सेप्ट बिहार यूपी उत्तराखंड डी जी राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यहां कहीं भी कंपनी लॉ नहीं है जुडिशियल सर्विस के पीटी और मेंस में बिहार को छोड़कर राइट तो इस वजह से वो बच्चे जुडिशियल सर्विस वाले बच्चे कंपनी लॉ अपनी तैयारी में नहीं पढ़ते क्योंकि सिलेबस में नहीं है मैं भी जुडिशियल सर्विस के बैच में किसी बैच में भी नहीं पढ़ाता हूँ देट इज नॉट देयर एक्सेप्ट जब मेन्स या पीटी जो है क्रैश कोर्स अगर मैं बिहार के लिए कर रहा हूं तब तुम्हें पढ़ाता हूं तो यूजली बच्चा इसको पढ़ता नहीं है ठीक है तो एग्जाम के टाइम में लास्ट में भी पढ़ता है ठीक है इस वजह से आप यहां कम स्कोर करते हो तो जो बहुत हाईलाइटिंग पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है ठीक है वो एक कंपनी लॉ है नंबर वन की लॉ इन्वायरमेंटल लॉ में लॉ में एनवायरमेंटल लॉ में क्या है एनवायरमेंटल लॉ में ये है कि ये आपके बीएलएलबी एलएलबी के सिलेबस में जरूर है बट पीसीएस जे के सिलेबस में हिमाचल की बात करें और एक दो क्वेश्चन यूजली कहीं पूछ लेता है बट कंप्लीटली यूपी के सिलेबस में एच पीसीएस जे में वगैरह में, में नहीं है तो बच्चा यहाँ भी पीसीएस जे वाला तैयारी नहीं करता है तो यहाँ भी वो बहुत कम स्कोर करता है और यहाँ इन्वायरमेंटल लॉ से क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से पूछा जा रहा है सीओपी से पूछा जा रहा है अलग अलग समिट से पूछा जा रहा है सिर्फ आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन कवर नहीं होंगे जितनी बैठकें हैं अभी समय है ट्रिटीज हैं, नए नए कितने लेटेस्ट डेवलपमेंट है सबको आपको कवर करना होगा तो ये क्या होगा थोड़ा सा रिसर्च वाला होगा कि लेटेस्ट अपडेट आपको यहां लेटेस्ट चाहिए लेटेस्ट कंटेंट चाहिए लेटेस्ट अपडेट आपके पास ये होना चाहिए तब आप इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हो और ये मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में कोशिश करूंगा कि रोज आके पेपराथॉन कर दूं आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स का जितना पॉसिबल हो सके तो आपको आइडिया हुआ देखना सीओपी के बारे में नए नए जितने भी अ, अलग अलग सब के बारे में पूछा जा रहा है तो यहां ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन सबसे कॉमन सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट ये ऑब्वियसली बात है इसमें लेटेस्ट केस लॉ और लेटेस्ट अमेंडमेंट कवर कर लेना राइट इन माइंड कि लेटेस्ट अमेंडमेंट लेटेस्ट केस लॉ ये जरूर कवर करना और ये आप कर लोगे आराम से कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है दुश्मन सब्जेक्ट लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं तहरी मलिक आपने पूछा है सर एंट्रेंस कब से है CCSU का अच्छा आपने फॉर्म अभी नहीं भरा है ठीक है फॉर्म मतलब जो है शायद फॉर्म का डेट निकल गया फॉर्म का डेट एक्सटेंशन हुआ था सीसीएस में एल एल एम का ठीक है शायद वो भी हो चुका है और इसके बाद गुड इवनिंग मानवी गुड इवनिंग और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं गुड इवनिंग टू यू एज वेल सर प्लीज बता दीजिए एंट्रेंस कब है एंट्रेंस इज वेरी नियर फॉर्म तो भरा जा चुका है इवन एक्सटेंशन में मिल गया था देयर वॉज एक्सटेंशन फॉर फिलिंग द फॉर्म राइट नाउ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और आपको इसे कवर करना होगा मतलब पार्ट वन पार्ट टू मतलब जूरिस में एक तरफ आप स्कूल्स को पढ़ते हैं दूसरी तरफ लीगल कॉन्सेप्ट हो यहां से क्वेश्चन है और यूजली हम में को नहीं पढ़ते हैं तो उत्तराखंड में पचास नंबर वाले में थोड़ा बहुत पूछता है झारखंड जुडिशियल सर्विस के मेन्स में और बाकी कहीं एस सच नहीं है तो प्लीज थर्ड सब्जेक्ट जो है जो आपको ध्यान रखना है कंपनी इन्वायरमेंट और जुडिस है ठीक है आईपीसी बहुत कॉमन एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे इजियर लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है अब आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये भी आसान है छठा सब्जेक्ट सब्जेक्ट में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल लॉ ये भी इंपॉर्टेंट वन है इसमें चार्टर भी पढ़ना है आपको यूएन चार्टर यूएन चार्टर ICJ बहुत अच्छे से, Update, सारे जितने भी, रवांडा से सारे कवर करना है।, ये थोड़ा सा हो के में है तो बच्चा जो होता है वो यहाँ स्कोर करता है अगर कोई नया बच्चा है अगर वो जा रहा है तो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं कि कहा आप उनसे एज ले सकते हो ठीक है तो वो सारे सब्जेक्ट्स है लॉ ऑफ टॉट बहुत आसान सब्जेक्ट है ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये भी सिर्फ यूजुअली बिहार जुडिशियल सर्विस में है यूपी वगैरह में नहीं है तो यहां से भी आपको अच्छे से कवर करना होगा अगर आप अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो एंड देन कमिंग टू फैमिली लॉ कंसिस्ट ऑफ हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ मुस्लिम लॉ बट ये ध्यान रखना स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 भी पूछा जा सकता है यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है ठीक है तो दिस इज दिलेबस ओके फॉर्म भर दिया दस फाइन तो ये वो सब्जेक्ट है दस सब्जेक्ट है इसमें से बेसिकली पांच सब्जेक्ट पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है क्योंकि आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट टॉट आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है टॉट है और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर एग्जाम्पल

ूरी स्टूडेंट इन्वायरमेंटल लॉ कंपनी लॉ सर हम पढ़े कहां से अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर ये तो सिलेबस है हम पढ़े कहां से और टाइम इतना कम है अब हम कहां से करें? तो इसका एक तरीका है कि कोई भी आप में से जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहा है उसके लिए कई सारे जुडिशियल सर्विस का ऑब्जेक्टिव का गाइड आता है ठीक है गाइड राइट चाहे आप वो सिंगल पब्लिकेशन हो यूनिवर्सल का हो किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हो हिंदी में है तो परीक्षा मंथन है किसी और भी पब्लिकेशन का उसमें से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे एक तो आप वो काम करो ठीक है नंबर वन दूसरा क्या है सेकेंड थिंग कम्स जो सेकेंड थिंग है वो ये है कि सर हम ये जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है या हमारा इन्वायरमेंटल लॉ है ये करंट अफेयर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो इसके लिए एक साल का प्रतियोगिता दर्पण जो पी है वन ईयर प्रतियोगिता दर्पण उसमें जो इंपॉर्टेंट क्रक्स है जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है और इन्वायरमेंटल से से सरकार के द्वारा बनाए गए अमेंडमेंट है रूल्स है है, है जैसे अभी एक लेटेस्ट है जैसे मैं आपको बता दू तो जनवरी ट्वेंटी में इको सेंसिटिव जोन सरकार ने घोषित किया है इको सेंसिटिव जोन तो ये लेटेस्ट है यहां से पूछा जा सकता है इस प्रकार से जो से मठ इश्यू हुआ क्यों हुआ क्या रीजन था तो यहां से आपको लेटेस्ट अपडेट भी कवर करना है ये वो सारी चीजें हैं और दूसरी बात ये है कि मैं अब सेम कल से मैं इसी टाइम मिलूंगा आपको आ, यूट्यूब पर पेपर में आपके साथ डिस्कस करूंगा एल एल एम के जितने दो हजार पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तो इन सारे पेपर में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है जिसे आप पेपर पेपराथॉन कहते हो तो वो मैं आपके साथ कल से डिस्कस करूंगा मंडे टू फ्राइडे सात बजे ठीक है ऑलमोस्ट एवरीडे और अगर किसी भी बच्चे को आप में से अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए सॉफ्ट कॉपी में तो मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करना मैं आपको ईयर वाइज एंट्रेंस के ईयरवाइजल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा किसी बच्चे को अगर चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप मी आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करना मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है आई विल गिव इट टू यू राइट एंड वन अनदर थिंग के जितने भी क्वेश्चन पेपर है फॉर एग्जाम्पल जस्ट एम वन मोर मिनट नाउ अब इसके बाद आते हैं एक बच्ची ने पूछा है तहरीम में कि सर ये एलएलएम का एंट्रेंस कब है एलएलएम एंट्रेंस जहां तक मुझे पता है कि एलएलएम एंट्रेंस का डेट अभी नोटिफाई नहीं हुआ है उन्होंने जो है फॉर्म जिन बच्चों ने फिल किया है इसके बाद भी एक्सटेंशन दिया था कि आप आगे भी और भी बच्चे जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं ठीक है थीके? और इसके बाद अभी डेट नोटिफाइड नहीं है एलएलएम एंट्रेंस का ठीक है तो जैसे का डेट नोटिफाई होगा मैं आपको बता दूंगा इस यूट्यूब के माध्यम से ठीक है और कल से मैं आपको टाइम मिलूंगा पेपर डिस्कस करूंगा जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पेपर है दिस इज क्वेश्चन पेपर ये कब का है ये 2022 का जो लास्ट पेपर हुआ है ये उसका है तो सारे मेरे पास क्वेश्चन मैंने इसलिए कहा कि आप मुझे व्हाट्सएप करना मैं आपको ये सारे जितने भी पीडीएफ से आपको अवेलेबल करा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ठीक है अब आप देखोगे कि ये है, LLM का ये 2022 का है ये. अब से आप देखोगे, Assembly, मतलब है का 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 2022 इंटरनेशनल लॉ से यूएन चार्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है तो यू विल बी फाइंडिंग इट कि मैं कल से आपके साथ ये सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर है वन बाई वन ईयर ईयर जो है आपके साथ हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करूंगा ठीक है और जो भी इसके आंसर्स हैं क्या है क्यों है क्या रीजन है और इसी के साथ साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ठीक है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आपको ये एंट्रेंस का पेपर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए पंद्रह सोलह सारे पेपर अगर आपको चाहिए तो ठीक है तो कल से मैं मिलूंगा टाइमिंग सात बजे से लेकर साढ़े बजे तक एल एल यूनिवर्सिटी को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा और जो भी इंपॉर्टेंट जो हेल्प चाहिए आपको प्रिपरेशन के लिए कंटेंट ऑब्जेक्टिविटी वगैरह जो भी है जहां तक मैं आपसे आपको जो है हेल्प करूंगा ठीक है तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है एक बार आप मुझे बता सकते हो तहरी मैंने बता दिया कि एल एंट्रेंस का डेट अभी नोटिफाई नहीं हुआ है अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो ठीक है फिर कल मैं आप लोगों से मिलूंगा एट सेवन ओ ठीक है एल एंट्रेंस के लिए होप आप समझ गए होगे जो मैं आपको बताना चाह रहा था अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हो अपना मैंने नंबर भी दे दिया है इस नंबर पे आप मुझे जो भी कुछ डाउट है व्हाट्सएप कर सकते हो ठीक है सेवन नाइन एट टू सेवन थ्री जीरो एट फाइव नाइन ये व्हाट्सएप नंबर मेरा आप इस पे जो है मुझे मैसेज भी कर सकते हो ठीक है तो फाइन गुड इवनिंग ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही कल मिलता हूं मैं आप लोगों से सेवन ओ ठीक है क्योंकि अब थोड़ी देर में मेरा एक पेड बैच है नाइट बैच तो मैं उस बैच के लिए जाऊंगा ठीक है आज के लिए बस इतना ही कल मिलता हूं सात से साढ़े सात एल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपराथॉन के लिए चलो टेक केयर बहुत ध्यान रखे और जो जिन बच्चों को एग्जाम देना है आज से ही प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी में लग जाए जो भी हेल्प चाहिए गाइड गाइडेंस चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो चलो ठीक है टेक केयर ऑल सी यू टुमारो गॉड ब्लेस यू तहरीम गॉड ब्लेस यू टेक केयर ऑल द बेस्ट